नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन मंसल वास्तु कंसल्टेंट आज फिर आप लोगों के लिए एक और खास विषय पर चर्चा करना चाहूँगा आज का विषय है प्लॉट आप अपना रहने के लिए नया प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या विचार कर रहे हैं और प्लॉट वेस्ट फेसिंग पश्चिम मुखी आपको मिल रहा है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पश्चिम दिशा का प्लॉट भी अच्छा माना जाता है पश्चिम दिशा का प्लॉट जब आप ख़रीदने जाए तो उसके लिए आपको कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कुछ खास बातें कौन कौन सी सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए जो प्लॉट आप खरीदने जा रहे हैं उस प्लॉट के सामने टी पॉइंट नहीं होना चाहिए प्लॉट बंद गली में नहीं होना चाहिए प्लॉट के सामने कोई तालाब या गड्ढा नहीं होना चाहिए बहुत सारी जगह ऐसा भी देखने में आता है जब प्लॉटिंग होती है तो प्लॉट जब हो टे जाते हैं तो उसमें कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो खड्डे के अंदर होते हैं जो व्यक्ति प्लॉटिंग करता है वो सारे प्लॉट ऐसे ही सेल करते हैं जो व्यक्ति बेसमेंट बनाना चाहता है उसके अंदर बेसमेंट बना लेता है और जो व्यक्ति उसकी फिलिंग करके ऊपर तक लाना चाहता है वो ऊपर तक ले आता है यदि आप ऐसी जगह प्लॉट खरीद रहे हैं और वेस्ट फेसिंग प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसे प्लॉट को ना खरीदें क्योंकि प्लॉट के सामने हो सकता है वो व्यक्ति फीलिंग कराए या ना कराए क्योंकि अकेले एक व्यक्ति के प्लॉट में फीलिंग करने से काम नहीं चलेगा यदि आसपास में सारे प्लॉट ऐसे हैं और सब उसके अंदर फीलिंग करके ग्राउंड फ्लोर पर अपनी बिल्डिंग बनाते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि तब आप ऐसे प्लॉट को ले सकते हैं यदि आप वेस्ट फेसिंग प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो उसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि प्लॉट के नज़दीक शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना आपके प्लॉट के ठीक सामने पावर हाउस भी नहीं होना चाहिए इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा आप यहाँ पर भी ध्यान रखें वेस्ट फेसिंग प्लॉट में भी ध्यान रखें कि प्लॉट के लेफ्ट में राइट में और बैक साइड में यदि ऊंची बिल्डिंगें हैं और आप ऐसे प्लॉट को खरीदने चाहते हैं तो ऐसे प्लॉट को सिर्फ आप ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं और साथ वाली बिल्डिंग पीछे वाली बिल्डिंग आपकी ऊंची है कई मंजिला भवन बने हुए हैं और आपकी बिल्डिंग उनमें नीचे रह जाती है तो आप ऐसे प्लॉट का चुनाव ना करें वो हमेशा ही आपके लिए नुकसानदायक रहेगा घर के मेल मेंबर भी परेशान रहेंगे फीमेल भी परेशान रहेंगे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें कहीं ना कहीं देर सवेर आपको मोटा नुकसान ज़रूर लगेगा तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो प्लॉट आप खरीदने जा रहे हैं उसके लेफ्ट में राइट में और बैक साइड में यदि ऊंची इमारतें हैं और उन इमारतों के बराबर की आप अपनी बिल्डिंग बनाते हैं अपनी इमारत बनाते हैं तो आप ऐसे प्लॉट का चुनाव कर सकते हैं वरना मैं कहूँगा कि आप ऐसे प्लॉट का चुनाव ना करें जो प्लॉट आप देखने जा रहे हैं वो प्लॉट काफ़ी लंबे समय से ये मान के चलिए जब कॉलोनी कटी थी कॉलोनी को कटे हुए पंद्रह साल बीस साल पच्चीस साल हो गया है और वो प्लॉट आज भी खाली बढ़ा हुआ है तो ऐसे प्लॉट को खरीदने से पहले एक बार उसकी हिस्ट्री के बारे में जरूर जान लें कि उसकी हिस्ट्री क्या है तब आप ऐसे प्लॉट को खरीद सकते हैं इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा जहाँ आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं यदि वहाँ की गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी है घूमी हुई गलियाँ हैं यह प्लॉट गोल सर्कल पर है और वो गोल सर्कल छोटा बनता है तो ऐसा प्लॉट भी आपको नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी आप जिस स्टेज पर है उसी स्टेज पर खड़े रहेंगे डाउन तो जा सकते हैं अब जाने के चांसेस ना के बराबर होंगे क्योंकि जो एक गोल सर्कल बनता है और वो छोटा सर्कल बनता है तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं बनती तो मैं आपको कहना चाहूँगा जब आप ऐसा प्लॉट खरीदने जाएं तो आपको वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए मेरी इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको सही लगती है तो आप ऐसे प्लॉट का चुनाव कर सकते हैं आप भी अपनी किसी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप अपनी नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं वो बिल्डिंग आपकी स्कूल भी हो सकता है कॉलेज भी हो सकता है हॉस्पिटल भी हो सकता है या आप अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं या ऑफिस ब्लॉक बना रहे हैं या कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो भी हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति प्लॉट खरीदने का विचार ज़रूर करता है आपने अपना घर तो बना लिया हो सकता है आपके रिलेशन में या आपके अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ने कोई प्लॉट खरीदना है तो मेरी ये वीडियो उस व्यक्ति के काम आ सकती है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार